एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का उल्टा आपका। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 3x2। थ्री एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 100 विथ थ्री एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8 वो भी 3x2। सेम। ठीक है, हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3x2 का इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x2 dx। ओके, 3x2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 100 हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस 8 हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इफ यू राइट ओनली एक्स क्यूब देन इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस सी, एंड दिस सी इज कॉल्ड इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। ठीक है, दिस सी इज कॉल्ड इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। तो विदाउट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन गलत होता है। डेफिनेट में वो कैंसिल हो जाता है। डेफिनेट में क्या होगा, इसमें रहता लिमिट रहता, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस वन अपर लिमिट। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी 3x2 dx एक्चुअली वही होता है, एक्स क्यूब प्लस सी होता है। ए टू बी यूज किया जाता है लिमिट में, तो ये क्या होगा, इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट को जब यूज करेंगे यू विल गेट बी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब प्लस सी, तो सी हमेशा कैंसिल हो जाता है, वो कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट हमेशा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको नहीं चाहिए, सी रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली यू विल गेट बी क्यू माइनस ए क्यू, दैट इटसेल्फ यू कैन कॉल 3x2 का, सॉरी दैट यू कैन कॉल ए क्यू इट टू बी। तो ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस सी रखो कि सिर्फ एक्स क्यूब रखो वो चलेगा। ठीक है, बट इंडेफिनेट में आपको रखना पड़ेगा ये सी, अदरवाइज गलत होता है आपका आंसर। तो डेरिवेटिव पता है कि नहीं? फॉर्मूला, डेरिवेटिव का फॉर्मूला फिजिक्स का पता, एक्स टू दी पर एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस वन एन इंटू एक्स टू दी पर एन माइनस वन। ए टू दी पर एक्स का डेरिवेटिव रेस टू एक्स का डेरिवेटिव नहीं, पता नहीं इट इज ए टू द पावर एक्स एल एन
इज ए टू दी पावर एक्स ln a, ओके। बुक में लॉग ए दिया जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो ln होता है, लॉग का वो बेस नहीं देता है, वेरिएबल सिस्टम में बेस नहीं दिलाएगा तो e हो जाता है, अदरवाइज आप लिखोगे a टू दी पावर x log a बेस e, ये लिखोगे, ठीक है। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, क्योंकि सेम फॉर्मूला ना, तो ये यहाँ पे ln e हो गया, ln e 1 हो गया। ln x का 1 by x cos x सेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन, नेक्स्ट सेक्स कोटेक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, sec x minus cosec x cot x sin inverse x, ये नहीं पता, वन अपॉन एक्स स्पेस को वन अपॉन रूट वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स ऊपर वाले का नेगेटिव, माइनस वन अपॉन नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यू नो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स यू कैन राइट पाई बाय टू माइनस कॉस, ये कॉस इनवर्स एक्स यू कैन राइट पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा, तो ये तो जीरो दे देगा, पाई बाय टू का डेरिवेटिव जीरो होगा, बाकी इसलिए वो नेगेटिव आ गया। टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन 1 plus x square. 1 plus x square. Cot inverse x? Negative. Minus 1 upon 1 plus x square. Sec inverse x? मॉड x अंडर रूट वन प्लस x स्क्वायर माइनस
cosec inverse x minus 1 upon mod x root x minus. ये होता है फॉर्मूला, इसमें अनडेफिनेट आपका डोमेन हो जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस वन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो sec इनवर्स का जो डोमेन था ना, इसमें वही आएगा। sec इनवर्स का डोमेन क्या था, माइनस इनफिनिट टू माइनस वन, डोमेन ये था, यूनियन वन टू इंफिनिटी, sec इनवर्स x का डोमेन ये था ना कि नहीं? Yes. तो इसमें क्लोज था, इसमें क्लोज हो नहीं पाएगा, वन पे क्लोज नहीं होगा, ये ओपन होगा, क्योंकि वन पर क्या होता है, अनडिफाइंड होगा, ओके, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, ये ओपन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, फिर मॉड एक्स क्यों रखा गया, आपका sec इनवर्स x का ग्राफ चेक करोगे, कैसे ग्राफ हुआ था, इसका रेंज कितना, जीरो टू पाई, वन पर वो जीरो होता है आपका, जीरो टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय टू, ओके, आपका ग्राफ ऐसे होता है, माइनस वन पर वो पाई होता है, फिर ऐसे होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ sec इनवर्स x। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप फाइंड करना, स्लोप टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, तो टेंजेंट जहां पे एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव उधर एग्जिस्ट होगा, जैसे यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इधर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इधर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, कैन यू ड्रॉ टेंजेंट हियर, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना, एंड पॉइंट पर आपका कोई भी ग्राफ का एंड पॉइंट पर वो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन का एंड पॉइंट पर वो टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता है, इसलिए प्लस वन एंड माइनस वन इधर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो ये तो थियोरिटिकली ऐसे हुआ कि माइनस वन प्लस वन पर ये क्या हो जाता है, जीरो होता है, अनडिफाइंड होता है, आपका ग्राफिकली देखा जाएगा भी इधर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसलिए वो दो पॉइंट हट गया। तो आप डेरिवेटिव कहीं भी डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट किया जाता है, डिफरेंशियबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में टेस्ट होता है, क्लोज इंटरवल में नहीं होता है, क्योंकि एंड पॉइंट वो इन जनरल क्या रहता है, एंड पॉइंटेड रहता है, दिस इज द कर्व, आपका डिफरेंशियबिलिटी होगा तो आपको पता चलेगा, ये कर्व के लिए आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एनीवेयर यू कैन ड्रॉ टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो टेंजेंट होगा कौन सा एंगल दिलाएगा, एक्स एक्सिस के साथ, कोई कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, एक्यूट एंगल दे रहा है, एक्यूट, हां सर, यस सर, हमेशा एक्यूट एंगल, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एक्यूट एंगल, यस सर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये यहाँ पे भी आप चेक करो, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ईच एंड एवरी टेंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बट मेरा डोमेन नेगेटिव था पॉजिटिव था, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, क्योंकि बोथ द फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो एक्यूट एंगल करेगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसलिए ये मॉडुलस रखा गया। ये मॉडुलस नहीं होता, x जब नेगेटिव होगा ना आपको ये नेगेटिव दे देगा, क्योंकि स्क्वायर रूट वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो कभी हो नहीं पाएगा,
सपोज मैं मॉडुलस नहीं रखूंगा, यहाँ पे आपका मॉडुलस नहीं रहेगा, x रहेगा. इफ यू कंसिडर x एज 4, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा. सॉरी, माइनस 4 कंसिडर करोगे, ये टोटल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा. बट ग्राफिकली आपका क्या होता है, ईच एंड एवरी टेंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस, तो इसका डेरिवेटिव कभी नेगेटिव नहीं होता है. दैट्स व्हाई यहाँ पे एक और एक मॉडुलस डाला गया टू मेक टोटल ग्रेटर देन जीरो. समझा? सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स होता है डिक्रीजिंग फंक्शन. कोसेक का डेरिवेटिव, सॉरी, कोसेक का ग्राफ कैसे आएगा? कोसेक इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये जीरो, ये माइनस पाई बाय टू, ये प्लस पाई बाय टू. आपका वन पर क्या होता है, पाई बाय टू होता है, तो इसके बाद वो ऐसे आता है, और माइनस वन पर माइनस पाई बाय टू होता है, ऐसे होता है ग्राफ. दिस इज द कोसेक इनवर्स एक्स ग्राफ. तो यहाँ पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, कौन सा एंगल दे रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल दे रहा है, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, इसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसको ऐसे रखा गया ताकि नेगेटिव हो जाए. मॉडुलस इधर मस्ट, आप मॉडुलस नहीं रखोगे फिर गलत आंसर होगा. कुछ बुक्स में ऐसा दिया होगा d by dx of sec inverse x is equal to 1 upon x into under root x square minus 1 when x more than 1, और minus 1 upon x into under root x square minus 1 when x less than 1, minus 1, ऐसे दिया होगा, मतलब ये मॉडुलस को ब्रेक किया हो. ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए, आप मॉड के साथ जाइए. समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये क्यों मॉडुलस दिया गया? यस सर. थ्योरेटिकली निकालोगे आपको मॉडुलस नहीं दिखेगा, थ्योरेटिकली निकालोगे आपको मॉडुलस नहीं दिखेगा. मैं बता देता हूँ, ग्राफिकल में दिख रहा है कि एक्यूट एंगल, ये ग्राफिकल के हिसाब से मॉडुलस दिया गया, थ्योरेटिकली निकालोगे आपको मॉडुलस नहीं दिखता है. मैं बता देता हूँ इसका कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव जनरल पर्टिकुलर इनवर्स का. इनवर्स के लिए आप जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछ रहे हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो मैं इसको थीटा ले लेता हूं, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, डी बाय डी थीटा बाय थीटा बाय डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट. समझा? दिस यू हैव टू फाइंड आउट. मैं थीटा किसको रखा, बट थीटा को कंसीडर साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा क्या होगा, एक्स हो जाएगा. हाँ सर, साइन थीटा. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा में, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा. कॉस थीटा, तो मुझे डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, इसका उल्टा चाहिए. तो अच्छा, कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ ना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? हाँ हाँ सर. तो यहाँ क्यों हुआ, साइन इनवर्स एक्स जो है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा. इसलिए कॉस थीटा का एक्चुअली क्या लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ए वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो आपका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर,
राइट यस तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx / d थीटा तो d थीटा / dx क्या होगा 1 upon under root 1 minus x square मिला सर यहां पे वो वाला कंडीशन लगना पड़ेगा x1 इसमें x1 नहीं होगा इसका डोमेन sin inverse x का डोमेन क्या है minus 1 to plus 1 बट यहां पे क्या होगा ओपन कर देंगे minus 1 to plus 1 ओपन क्योंकि ये चेक करो एंड पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर नहीं पाओगे टेंजेंट किसका ड्रॉ नहीं होता है कोई भी स्मूथ फंक्शन का आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो कैन यू ड्रॉप टेंजेंट एट दिस पॉइंट ए पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो क्या नहीं सर नहीं कर पाओगे तो जहां पे फंक्शन पॉइंटेड होता है देयर यू कांट ड्रॉ टेंजेंट इसका टेंजेंट क्या होगा यहां पे अनडिफाइंड केस आएगा ये ग्राफ का आप टेंजेंट ड्रॉ करो इधर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो इधर कर सकते हो कोई भी पॉइंट पर कर सकते हो बट यहां पे कर नहीं पाओगे ओके तो जहां पे पॉइंटेड होता है देयर आल्सो यू कांट ड्रॉ टेंजेंट तो एंड पॉइंट पर वो पॉइंटेड हो जाता है ऑटोमेटिक तो एंड पॉइंट एंड जहां पे पॉइंटेड होता है उधर आपका टेंजेंट नहीं बनता है बाकी सब जगह आपका टेंजेंट बनता है कोई भी कर्व के लिए ठीक है तो लाइक दैट y is equal to sin inverse x कर सकते हैं फिर sin y is equal to x फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे हाँ वही तो किया ना मैंने थीटा लिया आप y ले रहे हो मैं थीटा लिया हाँ सर सही ठीक है तो sec inverse x के निकालने के लिए d by dx of sec inverse x इसको y ले रहे हो तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया d / dx is equal to what ठीक है ना तो आप y ले रहे हो sec inverse x x क्या होगा sec y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करो कि विद रिस्पेक्ट टू x करो as you like if you differentiate with respect to y then dx / dy sec theta का डेरिवेटिव क्या है sec theta into tan theta तो यहाँ पे sec y into tan y होगा है ना तो sec y की जगह आप लिखोगे x लिखोगे tan y की जगह लिखोगे sec square y minus 1 तो ये x under root x square minus 1 यही दिखाई दे रहा है ना मॉडुलस आपको नहीं दिखाई दे रहा है एक्चुअली मॉडुलस इसलिए होगा क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गलत किए ये तो पॉजिटिव हो जाता है sec inverse y जो रखे ना sec y जी sec y की जगह x रखे एंड tan y की जगह जो इधर रखे ना इधर प्लस माइनस आने का चांस था ठीक है बट बिकॉज ऑफ sec inverse x फंक्शन आपका क्या इंक्रीजिंग फंक्शन मिला तो इसलिए इसको ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव बट एक्स का डोमेन के हिसाब से एक्स क्या होगा सम पार्ट के लिए पॉजिटिव होगा सम पार्ट के लिए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव जब एक्स हो जाएगा फिर ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा इसलिए इसके ऊपर एक मॉडुलस रखा गया थ्योरेटिकल निकालेंगे तो आपको मॉडुलस नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे समझा कि नहीं समझा ये और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है जीरो लिख लो जिसको फॉर्मूला याद नहीं लिख लो सर इसके ऊपर क्या है इसके ऊपर इसके ऊपर
डन एक सेकंड हाँ सर हो गया अब इसके इंटीग्रेशन पर आएंगे तो कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्या होगा लैम्डा एक्स प्लस सी एक्स ठीक है ना क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव कांस्टेंट हुआ था तो कांस्टेंट का मतलब एक्स का डेरिवेटिव लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है लैम्डा होता है तो लैम्डा का इंटीग्रेशन लैम्डा एक्स होगा प्लस कांस्टेंट एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन तो इसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन होगा है ना एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स डी एक्स को मैंने इधर ले लिया इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन इसका इंटीग्रेशन यही होता है ठीक है तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो जाता है यू विल गेट एक्स टू द पावर एन प्लस सी So this constant you can take outside. Oh. ठीक है ना अब ये constant को आप इधर divide कर सकते हो That implies integration of x to the power n minus 1 dx. You can write x to the power n upon n plus c by constant और एक constant हो जाएगा c by n c by n और एक constant दे देगा ठीक है एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला तो व्हेन इट इज पावर एन माइनस वन आपको इधर एन आ रहा है जब इधर एन होगा एन प्लस वन ओके तो दैट्स व्हाई आपका फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस समझाइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन मतलब इस दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स प्लस सी होगा है ना अच्छा ln ln a नॉट ln x But ln is the constant. Yes. This constant you can take outside of divide hoga. That means integration of a to the power x dx. Ln a you can take outside. Is equal to a to the power x plus c. Ab ln a ko divide kar denge. To kya milega? A to the power x dx ka integration is equal to a to the power x upon ln a plus another constant. Yes. बराबर तो दिस इज द फॉर्मूला a to the power x का डेरिवेटिव क्या होगा a to the power x upon ln a तो डेरिवेटिव पे मल्टीप्लाई होता है
इंटीग्रेशन में वही चीज डिवाइड हो जाता है, जो कॉन्स्टेंट पार्ट डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है वही कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, समझा? फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स, एक्स बिकम ए टू दी पावर एक्स, इधर ए टू दी पावर एक्स इंटू एल एन ए था, यहाँ पे होगा ए टू दी पावर एक्स अपॉन एल एन ए। यहाँ पे डेफिनेट ए आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, अदरवाइज दिस इज नॉट ए फंक्शन, ओके, एल एन ए डिपेंड नहीं होता है। यस, ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन, इज इट यस और नो? नहीं, यस नहीं, यहाँ पे आपका इनपुट एल एन एक्स था, आपका जब इनपुट एल एन एक्स था रहेगा तो एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, बट यहाँ पे इनपुट आपका वन बाय एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। सपोज नेगेटिव एक्स नेगेटिव हो गया फिर एल एन एक्स आपका डिफाइंड नहीं होगा, मॉड होगा, इधर होगा एल एन ऑफ मॉड एक्स। तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ना एल एन एक्स नहीं होता है, वो एल एन मॉड एक्स होता है, समझा? हम उल्टा जा रहे हैं ना, इधर एल एन एक्स मतलब आपका इनपुट एल एन एक्स, तो डेफिनेट एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बट हम जब उल्टा जाएंगे ना यहाँ पे आपको एल एन एक्स मिल जाता है, बट एक्स नेगेटिव होगा तो इधर एक्स नेगेटिव हो सकता है, बट यहाँ पे नेगेटिव होगा तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए एल एन ऑफ मॉड एक्स, राइट? साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस कॉस, इसमें उल्टा कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, टैन का सेक्स स्क्वायर एक्स, x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन एंड और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस cot x प्लस c करो समझे, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x cot x minus cosec x integration of dx upon under root 1 minus x square क्या हुआ? साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस अनदर कॉन्स्टेंट है ना, दोनों का रिजल्ट सेम है ना, तो इधर माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, dx of integration of 1 plus x square 1 upon 1 plus x square kya hoga, tan inverse x plus c hoga, nahi to
माइनस 14 बार सेक्स प्लस अनदर कंस्टेंट क्या हुआ सेकंड वर्ड्स एक्स प्लस सी होगा और सेकंड वर्ड्स को भी आप लिख सकते हो ना पाई बाय टू माइनस को सेकंड वर्ड्स एक्स तो पाई बाय टू प्लस सी जो होता है ना वो और एक कांस्टेंट दे देगा दैट्स व्हाई माइनस को सेकंड वर्ड्स एक्स समझाइए ठीक है तो जहां पे x का वैल्यू पॉजिटिव रेंज पार्ट में है मतलब जो डोमेन पार्ट में x पॉजिटिव है तो मॉडुलस का उधर जरूरत नहीं है तो जितना मैंने फॉर्मूला मतलब डेरिवेटिव किया था उसका रिवर्स मैंने करा दिया ठीक है इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं जैसे कि साइन कॉस हो गया टैन का अभी तक हमारे पास नहीं है sec का भी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है सेकंड को सेक का वो करेंगे फिलहाल ये रिवर्स में जितना डेरिवेटिव का रिवर्स मैंने कराया लिख लो
Yes. Okay. हम करते कि इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स क्या होता है? G of lambda x into lambda. Into derivative of lambda. Yes. Change that is g of lambda x into lambda. मतलब sin theta का derivative क्या है? D by d theta of sin theta क्या होता है? Cos theta. Cos theta. So d by d theta of sin 7 थीटा माइनस 8, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos 7 थीटा माइनस 8 इनटू 7 इनटू 7, यही होता है ना? हम्म, अब इंटीग्रेशन में क्या होगा? 7 डिवाइड होगा, ठीक है? डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन में डिवाइड, so you can make note if integration of f of x dx is equal to gx plus c, then integration of f of nx plus lambda, iska integration kya hoga? G of nx plus lambda by f. G of nx plus lambda upon n. इसका derivative. N. Okay, इसका derivative. Nx plus lambda का derivative. That is n plus another constant. Yes. Is that clear? समझाइए कि नहीं? हाँ सर. हाँ सर. ये नोट कर लो. Done? Yes, sir. A derivative of f of x plus g of x. Kya hota hai? Derivative of f of x plus derivative of g of x. Derivative of g of x. Ye hota hai na? Hmm. Integration mein aise ho. Integration of k into f of x. This k you can take outside. Derivative में जैसे
आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, इसमें भी ऐसे ही निकाल सकते हो, तो k into integration of f of x dx, integration of f of x plus g of x dx, you can make integration of f of x dx plus integration of g of x dx. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में आप अलग अलग करते थे क्या डेरिवेटिव में? सर उसमें प्रोडक्ट रूल लगता था, अलग अलग नहीं होता था ना, तो इसमें भी आप कर नहीं पाओगे. इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डीएक्स, डोंट राइट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स into integration of g of x, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम आगे ये करें, मतलब बताऊंगा क्या करना है. बट ऐसा टर्म आएगा तो ट्राई सिंगल फंक्शन रहेगा, ट्राई टू मेक वन टर्म, एक फॉर्म में लाने के लिए ट्राई करो, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x मल्टीप्लाई टू डिवाइड टू, ऐसा नहीं कि ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो इसको मैं एक फॉर्मेट में ले पाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू डिवाइड टू कर देंगे तो ये सिंगल फॉर्म में आ गया, जो डबल फंक्शन था ना वो सिंगल फंक्शन हो गया, समझा? तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ठीक है. सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के साथ थ्री एक्स दिया गया, इसको तो आप सिंगल फंक्शन बना नहीं पाओगे. ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स साइन एक्स डीएक्स, उसमें क्या डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लग रहा था, प्रोडक्ट रूल. इधर प्रोडक्ट रूल तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब उसका रिवर्स होता है, उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो आगे हम करेंगे, अभी नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिफरेंट फॉर्मूला लगता है, वो जो प्रोडक्ट रूल से ही आया है. सर इधर नहीं कर सकते पहले प्रोडक्ट रूल, नहीं इधर प्रोडक्ट रूल नहीं करोगे, उसका रिवर्स करोगे, जैसे हम हर डेरिवेटिव का रिवर्स कर रहे हैं ना, इधर भी रिवर्स होगा. प्रोडक्ट रूल में ये क्या, मतलब प्रोडक्ट रूल का ये लगेगा, कंसेप्ट लगेगा, बट वो थोड़ा अलग से होगा. ओके, इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो हम आगे करेंगे, अभी नहीं कर रहे, समझा? तो ये लिख लो,
अच्छा देखो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स के ना उसका और एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ठीक है ना। तो लेट साइन एक्स एज टी, साइन एक्स को मैंने टी रखा, तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे मतलब फंक्शन ऑफ एक्स टू फंक्शन ऑफ टी में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो फंक्शन ऑफ जब एक्स फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट होगा तो डीएक्स आपका नहीं रहेगा, डीएक्स में भी डीएक्स को आप डीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझा। तो एक फंक्शन टू अनदर फंक्शन में आप कन्वर्ट करोगे, तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ एक्स टू फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो डीएक्स आप रख नहीं पाओगे, डीएक्स की जगह आपको डीटी फॉर्मेट लाना पड़ेगा। तो कंसीडर साइन एक्स एज टी, तो डीटी क्या होगा, cos x dx, cos x dx, dx। तो इसका मतलब दिस बिकेम टी इंटू डी टी, टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब फिर रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो आपका एक्स था, आप टी में तो लिख नहीं पाओगे, फिर टी की जगह वापस रिवर्स करना पड़ेगा, टी की जगह साइन एक्स डालना पड़ेगा। तो दिस बिकेम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है, ये आपका आंसर। तो एक मेथड में आपको ये आंसर मिला, दूसरे मेथड में ये आंसर मिला, देन व्हिच वन करेक्ट, दोनों में करेक्ट कौन सा करेक्ट होगा सर, दोनों सेम करेक्ट होंगे ना, बट लाइक कांस्टेंट्स डिफरेंट है, यस। सिर्फ दोनों करेक्ट, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस होता है जो कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट का डिफरेंस है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट का कोई लिमिट होता है क्या, ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हाँ ठीक है ना। ये देखो माइनस कॉस टू एक्स बाई फोर आपको मिला है प्लस सी, कॉस टू एक्स को चेंज करो साइन स्क्वायर में कितना होगा, cos 2 theta in terms of sin square minus 2 sin square x 1 minus 2 sin square x by 4 plus c, so minus minus plus 2 sin square x by 4 that is sin square x by 2 plus c minus 1 by 4 c minus 1 by 4 that is another constant aa gaya, same answer mila। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बट डिफरेंट फॉर्मेट में है, अदरवाइज नथिंग डिफरेंस। ये एक बार नोट कर लो,
okay, find out this integral.
यस सर यस सर इसमें कुछ डाउट है नहीं सर find out this.
डन एक सेकेंड एक ही डीएक्स है सर, आप आंसर्स दिखा सकते तो चेक कर सकते हाँ सर, आप आंसर्स बता सकते तो चेक कर लें। तो डीएक्स अपॉन 3 - 5x इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट, इफ यू कंसीडर टी आज 3 - 5x तो dt कितना होगा? -5 dx तो एक काम करो, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 5 कर दो, ठीक है? दिस वन यू कैन राइट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -5 ठीक है? नाउ दिस बिकेम इंटीग्रेशन ऑफ डीटी अपॉन टी, डीटी अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉन टी, लॉन ऑफ मॉड टी, मॉड टी। आगे टी की जगह रिप्लेस कर दो, ln ऑफ वी माइनस, समझा? हाँ सर, हो गया। ये प्लस सी रखा जहां पे इंटीग्रेशन हुआ ना उधर, और कौन सा है? अच्छा आपको आंसर चाहिए, फिर फोर्थ वाला भी कह सकते हैं। दिस वन इसको पावर को ऊपर ले लो ना, टर्म को ऊपर ले लो, 3x + 4 to the power -2 इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? सो मुझे 3 न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर में आएगा वो समझ में नहीं आ रहा। पावर को अब तो न्यूमरेटर ले लोगे ना, तो ये हो जाएगा -2 + 1 इट इज x टू द पावर, डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है सर। ये -1 upon -1 अगेन 3x + 4 के लिए 3 रहेगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो अब बाद में इसको ये कर सकते, ऐसे लिख सकते 3 × 3x + 4 क्योंकि जो पावर -1 था 1 upon हो गया प्लस, और कुछ नहीं। सर देखना पड़ेगा, बता देता हूँ। फर्स्ट का आंसर पावर क्या हो जाएगा? हाफ हुआ है ना, तो पावर 3/2 / 3/2 होगा और नीचे a डिवाइड होगा, है ना? क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा फर्स्ट वन,
ए एक्स प्लस फोर पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाय टू इंटू ए एक्स प्लस फोर के लिए ए डिवाइड होगा। सेकंड का आंसर क्या होगा? फाइव एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर इंटू फाइव बराबर, क्योंकि फाइव एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव फाइव होता है, इधर डिवाइड होगा फाइव। थर्ड वन सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, तो टेन ऑफ सेवन माइनस फोर एक्स अपॉन माइनस फोर होता है राइट। फोर्थ तो बताया होता है सिक्स, सिक्स का साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस टू एक्स बाय टू प्लस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स बाय टू राइट। चौथा पूरा वन बाय टू लिख के भी कर सकते हो, वन बाय टू साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स प्लस सी भी कर सकते हो, प्लस कॉन्स्टेंट कर सकते हो, नहीं तो इधर ये तो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन सबका निकालना है। सेवेंथ वन में एट्थ वन भी इंडिविजुअल इंटीग्रेशन निकालना है, ये भी इंडिविजुअल करना है। नाइन्थ क्या होगा? एक्स बाय ए का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू और एक ए, ए बाय एक्स का इंटीग्रेशन ए एलन ऑफ मॉड एक्स, एक्स टू दी पर ए का इंटीग्रेशन कितना होगा? इट इज लाइक एक्स टू दी पर एन का इंटीग्रेशन, एक्स पर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए टू दी पर एक्स अपॉन एलन ए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, फाइनली एक सी रखना है। एक्चुअली हर इंटीग्रेशन में एक एक कंस्टेंट आएगा, बट सब कंस्टेंट मिला के एक ही कंस्टेंट बन जाएगा। तो इंडिविजुअली हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सबको अलग 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 इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो हर इंटीग्रेशन के बाद आपको एक एक कंस्टेंट मिलेगा, इंटीग्रल कंस्टेंट, बट सबको मिला के आप एक ही लिखोगे, दस बार लिखने का जरूरत नहीं, समझा? पेंडर
डन सर, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। हाँ सर, कौन सा नहीं हो रहा है? फोर्थ वाला सर, कन्वर्जन में नहीं समझ रहा कैसे हो रहा है, किस बारे में सर? एक मिनट रखिए ना, यस सर प्लीज वेट। ओके okay, बताओ कौन सा नहीं हुआ? सर एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, वो फॉर्मूला में फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज योर क्वेश्चन। इसको मैं कर देता हूँ x डैश टू फोर माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, करेक्ट। अब इसको अलग करते हैं, इसको मैं जब डिवाइड करेंगे ना तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन x square plus 1, बन गया? हाँ। अब x square का इंटीग्रेशन, x cube by 3, 1 का इंटीग्रेशन minus 1 का इंटीग्रेशन x plus 2 dx by x हो गया। हाँ आपको सिंप्लीफाई करना है, इसमें तो डिवीजन रूल ऐसा तो नहीं लगता है, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। सर सेकंड वाला आ गया, माइनस टू और माइनस टू में स्प्लिट कर दिया माइनस फोर, माइनस फोर को माइनस वन प्लस, हाँ माइनस वन माइनस थ्री कर दोगे मिल जाएगा लाइक फर्स्ट वन। सर फोर्थ में रूट को टू दी पावर वन बाई टू लेके करना है। हाँ तो उसमें एक्स प्लस टू को भी टी ले, एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर ले लो, इंस्टेड ऑफ टी मेक इट टी स्क्वायर, तो और थोड़ा इजी होगा।
सर सर x को रूट के अंदर ले सकते हैं, रूट के अंदर ले गए तो फिर क्या होगा, फंसोगे ना, वो होल रेस टू हाफ होगा ना, क्या होगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर हाफ dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर द होल रेस टू 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, एफ ऑफ टी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एफ ऑफ टी स्क्वायर बाई टू, कैसे होगा इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं होता है, आप जिसको ये dx का मतलब क्या होता है, dx इज द डेरिवेटिव ऑफ x, आप इसको t मानोगे तो इफ इट इज t पावर हाफ dt फॉर्मेट में आ जाएगा, देन ओनली यू कैन राइट t पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास कहां है, साइन टू थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, इसका क्यों साइन टू माइनस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ कॉस टू थीटा बाय टू क्यों हुआ, बाय टू क्यों हुआ, क्योंकि टू थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको तो साइन थीटा का फॉर्मूला पता है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन पता नहीं है, साइन टू थीटा का, तो ये टू थीटा को कंसीडर टू थीटा इज टी, देन आपका डी टी होगा टू डी थीटा, इसलिए एक टू मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइड किया गया, सो दैट ये हो जाएगा वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, आपको साइन टी साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता है, साइन सेवन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो आपको साइन सेवन एक्स दिया जाएगा तो आपको उसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई भी इंटीग्रेशन पावर एन रखोगे तो एक्स टू दी पर एन प्लस वन बाई एक्स पावर एन, एक्स टू दी पर एन इंटीग्रेशन डी एक्स रहेगा तो ये dx का मतलब क्या होता है, यही x का डेरिवेटिव होता है, हाँ सर, ये dx का मतलब होता है जो x आप ले रहे हो ना, जिसको आप x मान रहे हो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, t टू द पावर n का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x ऐसे कर देंगे, इट इज नॉट t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये नहीं होता है, क्योंकि आपके पास t का डेरिवेटिव नहीं है, ये कब होगा, जब आपको t to the power n dt रहेगा, then only you will get t to the power n plus 1 upon n plus 1, तब भी आपको मिलता है, तो if आप इसको t मानोगे, आपके पास dt कहाँ है, dt तो वेरिएबल में रहेगा, तो उसको तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं पाओगे, कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, वेरिएबल को कहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, if you consider t आज x cube plus 2x square, what is your dt? 3x square plus 4x dx, जो आपके पास नहीं है, सिर्फ आपका dx है, ये कहाँ है? तो dt कैसे फॉर्मेट लाओगे? तो ऐसा नहीं कि इसको x को अंदर ले लो फिर फॉर्मूला डाल दो, ये नहीं होता है, वो फॉर्मूला फॉर्मेट में ही नहीं आता है, आपको हमेशा फॉर्मेट चाहिए,
ऐसा इंटीग्रेशन नहीं होता है, डेरिवेटिव में भी ऐसा नहीं होता है। क्या करोगे आपको एक केस में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, आप x प्लस टू को t रखो नहीं तो t स्क्वायर रखो। dx क्या होगा, 2t dt, ठीक है। अब x स्क्वायर, x के जगह क्या लिख सकते हो आप, t स्क्वायर माइनस टू, इसके जगह अब t लिख सकते हो क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, t होगा। एक्चुअली मैंने x प्लस टू का रूट और को t रखा तो ऐसे क्या, dx के जगह आपको लिखना पड़ेगा 2t dt, क्योंकि आपका जो dx आ रहा है ना वो dx dt सीधा नहीं हो रहा है, तो इसको आप t रखोगे तो ये dt नहीं होगा, तो dx के जगह 2t dt में लिखना पड़ेगा। तो ये दिस बिकेम 2 t रेस टू 4 माइनस 4 t स्क्वायर dt। अब ये आपका परफेक्ट फॉर्मेट में आया, मैं जिसको t माना ना उसका डेरिवेटिव मेरे पास है। अब 2 t रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस 4 t³/3 प्लस c, बट क्वेश्चन तो x था तो x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा 2/5 t के जगह x प्लस 2 टू दी पर हाफ, मतलब x प्लस 2 टू दी पर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 टू दी पर 3/2, तो दिस इज द आंसर। यस समझाइए कि नहीं, ऐसा नहीं कि आप x को अंदर ले लोगे x स्क्वायर करोगे, ओके, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। आप अंदर ले सकते हो, अंदर रखोगे तो x क्यूब हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया dx, इसका इंटीग्रेशन इज नॉट इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन 3/2, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जिस इसको जो इसका डेरिवेटिव आपके पास नहीं है, राइट। ठीक है, और कुछ लास्ट वाला बताओ, x माइनस वन को कर दो x प्लस 4 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4, क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 4 का रूट ओवर होगा माइनस 5 अपॉन, करेक्ट। अब इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, रूट ऑफ एक्स प्लस फोर टी एक्स, मतलब ये एक्स प्लस फोर का पावर हाफ कर सकते हो, माइनस फाइव इंटू ये एक्स प्लस फोर टू दी पावर माइनस हाफ कर सकते हो। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स प्लस फोर का डेरिवेटिव क्या है, एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस फोर क्या होगा, dx होगा, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास है तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी होना चाहिए, बट सी हम बाद में लिखेंगे, माइनस 5। इसका भी डेरिवेटिव आपके पास है, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 टू दी पावर
प्लस हाफ हो जाएगा अपॉन हाफ विच इज 2/3 एक्स प्लस 4 टू द पावर 3/2 माइनस 10 एक्स प्लस 4 टू द पावर 1/2 और आप चाहो तो रूट ऑफ एक्स प्लस 4 समझा yes. सब्स्टिट्यूट करना सीखो मतलब ये प्रॉपर आप जिसका डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो ना उसका सर जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो जो टर्म का जो एफ ऑफ एक्स का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो वो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके साथ रहना चाहिए तब जाके फॉर्मूले में होगा हम जितने फॉर्मूले किए ना उसी हिसाब से होगा जितना फॉर्मूला मैंने दिया था ये सब x फॉर्मेट में था इसका बेस x है x का डेरिवेटिव dx ओके ये भी x फॉर्मेट में sin x यहाँ पे 3x होता है तो 3 क्यों मल्टीप्लाई होता है सॉरी 3 क्यों डिवाइड होता है क्योंकि एक 3x का डेरिवेटिव 3dx होता है तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है तो हम कहीं पे x के जगह x स्क्वायर नहीं रखे थे x के जगह x रेस टू 7 नहीं रखे थे आप कहीं पे देख लीजिए तो इसी हिसाब से करना पड़ेगा साइन x टू द पावर 7 dx इंटीग्रेशन क्या होगा ऐसा नहीं कि इसका इंटीग्रेशन cos माइनस cos x टू द पावर 7 अपन क्या चाहिए x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव चाहिए ना x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा वेरिएबल में रहेगा वेरिएबल को तो आप मल्टीप्लाई कांस्टेंट मतलब बाहर निकाल नहीं पाओगे ना वैसे बाद में हम लोग को डिवाइड नहीं कर सकते वेरिएबल हां तो ये इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होता है समझ में आया दिस इज नॉट इंटीग्रेशन क्योंकि वेरिएबल को आप बाहर निकाल नहीं पाओगे तो इसके लिए सपोज ये x टू द पावर 6 कहीं पे रहेगा x टू द पावर 6 dx रहेगा देन आपका फॉर्मूला बन जाएगा देन ओनली इफ यू कंसीडर t आज x टू द पावर 7 और थीटा आज x टू द पावर 7 देन d थीटा होगा 7 x टू द पावर 6 आपके पास x टू द पावर 6 dx रहेगा देन ओनली आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो इसमें एक 7 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा तो बन जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स टू दी पर 7 अपॉन 7 होगा बट ये एक्स टू दी पर 6 रहना चाहिए एक्स टू दी पर 6 नहीं रहेगा तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे चलेगा बट इनसाइड करोगे फिर बाद में इसको तो बाहर निकाल नहीं पाओगे ये नहीं होता है सिर्फ कॉन्स्टेंट केस में ऐसे होता है जिसका डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट होगा उसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते ठीक है यस हाँ चलो थैंक यू सर थैंक यू बाय सर बाय सर बाय सर थैंक यू सर बाय सर बाय